आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है, क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया, अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर हमने द्वीपों का नामकरण किया, हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक, आने वाली सदियों तक कोई हिमालय की चोटी एक एवरेस्ट व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट बन गई, मेरे द्वीप समूह मेरे परमवीर चक्र विजेता मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति है और उसको लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय और इससे आपको तकलीफ है और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है, हर एक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे, हमारा रास्ता है सकारात्मक। कभी कभी अब ये सदन है एक प्रकार से राज्यों का महात्मा है, हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया, फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है वो बली भांति समझता है, उसको जी करके आया है और इसलिए हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। आओ हम पर्दा करें, हम आगे बढ़े, हम सहयोग करें, हम आगे बढ़े, उस दिशा में हम चले हैं। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं, जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं,
सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी, वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बाहर माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे, कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व है। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा, एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। यहां पर पीछे बैठे हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूं, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया और आज वो वहां है। आज वो वहां है। हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया और एनटीआर के साथ क्या किया। यहां कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे। उस एनटीआर की सरकार को, और वो तबियत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे, आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 2400 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश
अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए, ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट कर, मैंने तो देखा एक सरकार एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय सभाजी जी, 2047 में यह देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है, देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी दो वक्त की रोटी का सपना था उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए और आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीति खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उमदा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।